नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार एशिया कप 2020 के लिए कैसे भारतीय टीम पूरी तरीके से बदल सकती है, इसी के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान बने टीम इंडिया के, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में क्रिकेट की तमाम जानकारियों से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आप लोग जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के लिए यह विश्व कप खत्म हो चुका है, लेकिन अगला सबसे बड़ा टूर्नामेंट 2020 को होने वाला है। हम आप लोग को बता दें कि 2020 को ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का आगाज होने वाला है, लेकिन इससे पहले एशिया कप खेला जाएगा और यह T20 फॉर्मेट में हो सकता है, क्योंकि 2016 में भी T20 विश्व कप से पहले एशिया कप काउंसिलिंग ने एशिया कप T20 फॉर्मेट में रखा था। हम आप लोग को बता दें कि 2018 में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप जीता था और पाकिस्तान को बिना विराट कोहली के दो बार हराया था। तो दोस्तों ऐसे में खबर निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा को कप्तानी मिले भारतीय टीम की। तो हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक दो बार आईसीसी टूर्नामेंट में विराट कोहली को कप्तानी करने का मौका मिला था, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती। और इसके अलावा रोहित शर्मा को भी दो बार बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी करने का मौका मिला था और एशिया कप और निदास ट्रॉफी जीतकर उन्होंने भारत की शान बढ़ाई थी। तो ऐसे में T20 विश्व कप को देखते हुए रोहित शर्मा को एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो महेंद्र सिंह धोनी भी इस टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार एशिया कप के लिए भारत की संभावित T20 टीम क्या हो सकती है, तो उसमें जो नाम निकल के आते हैं वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव, और जहां टीम के कप्तान होंगे रोहित शर्मा। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या विराट कोहली से बेहतर कप्तान रोहित शर्मा साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को दिखाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।